बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सेकंड क्लास। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग सेफ एंड साउंड हेल्थ विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुभान व तआला। स्टूडेंट्स, यू नो दैट यस्टरडे वी स्टार्टेड आवर चैप्टर नंबर 5 ऑफ नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स, एंड इन दैट चैप्टर व्हाट डिड वी फाइंड? दैट मिस्टर चिप्स एंड कैथरीन ब्रिजिस, दे मेट एंड दे वर फॉलिंग इन लव विद ईच अदर, and in this, so let's see what happened in this next text. Okay, open your books. Ji beta, chapter number 5, and we have read up to, do you remember? I think we read up to this. Yes, grow up and matter to the world. Okay, so let's start from here. Chip said he hadn't thought of it like that, or at least not often. He did his best. That was all anyone could do in any job. ओके, अब वो क्या कहते हैं कि चिप्स सेड ही हैडंट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, कि चिप्स कहते हैं कि उसने इसके बारे में इस तरह से कभी नहीं सोचा था, ठीक है? ओके, और एटलीस्ट नॉट ऑफन, ही डिड हिज बेस्ट, क्योंकि वो अपनी पूरी कोशिश करता। दैट वॉज ऑल एनीवन कुड डू इन अ जॉब, कि हर कोई जो है, जो उसकी जॉब है उसमें एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू बेटर इन हिज और हर जॉब। सो इन सेम मैटर वॉज विद मिस्टर चिप्स, दैट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू प्रूव हिमसेल्फ टू बी अ वेरी गुड टीचर। ओके, एंड वन मॉर्निंग एन अदर मेमरी सेम क्लियर, when he turned to it, he had for some reason been afflicted with an acute desire to depreciate himself in all his attainments. Okay, beta, ab kya hota hai ke one morning, ek subah, an other memory, ek aur yaad jo hai beta usko aati hai, theek hai? जैम क्लियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा, जैम क्लियर मीन ट्रांसपेरेंट, वेरी मच क्लियर, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, साफ है, वाजे है। तो उसको इस तरह की एक और याद आती है, उसको जो गुजरा पास्ट है उसके हवाले से। व्हेन ही टर्न टू इट, और जब वो इसके बारे में सोचता है, ठीक है, जब इसके अंदर मुतवज्जो हुआ, ही हैड फॉर सम रीज़न बीन अफ्लिक्टेड, अफ्लिक्टेड मीन बेटा अनहैप्पी, सो ही हैड बीन अनहैप्पी विद एन एक्यूट, एक्यूट मीन इंटेंस, बहुत ज़्यादा। So what was the reason that he had for some reason, किसी वजह से being afflicted, बहुत ज़्यादा क्या था, unhappy था, okay, with an acute desire, acute उसके बहुत ज़्यादा जो है utmost desire थी to depreciate, ठीक है, क्या करें, depreciate करें, dispraise करें या criticize करें, ठीक है, अपने आप को criticize करने की और depraise करने की उसकी ख्वाहिश थी, himself and all his अटेनमेंट्स, और जो भी उसके अटेनमेंट्स थी बेटा, जो भी उसकी अकम्पलिशमेंट थी, जो भी उसकी एबिलिटीज थी, जो भी उसकी विनिंग्स थी, तो उन सबको जो डिनाई करता था, मीन टू से ही वॉज नॉट अप्रिशिएटिंग हिमसेल्फ, अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करता था। ओके, ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री, सो ही टोल्ड हर दैट ही हैड गॉट अ मीडियोकर डिग्री, कि उसकी जो डिग्री थी बेटा, जो ही वॉज इन हिज एजुकेशन, we can say that when he was a student, he was not a very good student, ठीक है, बहुत अच्छा तालिब इल्म नहीं था। Of his occasional difficulties of discipline, और occasional difficulties होती थी उसका, मुझ से sometimes he got difficulty of discipline, of having discipline in the school, कि it was not his ability to control the class or the student, ठीक है बेटा। Of the certainty that he would never get a promotion, और उसके साथ ही उसकी certainty थी, मीन टू से ही वॉज वेरी मच श्योर दैट, ठीक है, बहुत ज़्यादा श्योर था दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, कि उसको कभी भी प्रमोशन नहीं मिलेगी। एंड बेटा ये तो होगी ना, एक आपकी मायूसी होगी, ठीक है, कि यू कैन नेवर गेट राइज इन योर करियर, तो ऐसे वी शुड बी होपफुल नॉट होपलेस। And of his complete ineligibility to marry a young and ambitious girl, and he thought that he was not ineligibility mean कि उसके अंदर जो है वो इतनी instability थी कि वो जो है वो उसके अंदर इतनी काबिलियत नहीं थी, ठीक है, he was not such ability to marry a young and ambitious girl, कि वो एक young और एक ambitious girl जो है वो ambitious में aspiring, ठीक है, zealous, eager, के जैसे कैथरीन जैसी जो ईगर लड़की है उसके साथ जो है वो शादी कर सके, इट वॉज नॉट इन हिज मैटर, के अंदर जो है ये चीज़ है ही नहीं थी। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल शी हैड लेफ्ट इन आंसर,
और उसके बाद उसने जवाब में क्या दिया, शी जस्ट लैफ, सिर्फ हंसी, ठीक है, हंस के उसने जवाब दिया। ओके बेटा, शी हैड नो पेरेंट्स एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन एंट इन इलिंग। ओके बेटा, शी हैड नो पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स नहीं थे बिकॉज दे वर डाइड, वो मर चुके थे, एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट, और बेटा एक उसकी आंटी थी, खाला थी उसकी, इलिंग में रहती थी, उनके घर से उसकी शादी हुई। ओके, ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस टू रिटर्न टू हिज होटल शी सेड। ओके बेटा, ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, जिस रात उनकी शादी होनी थी उससे एक रात पहले, ठीक है, व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस, जब व्हेन चिप्स केम आउट ऑफ द हाउस ऑफ द कैथरीन टू रिटर्न टू हिज होटल, जब अपने होटल में वापस जाने के लिए बाहर आते हैं उसके घर से, शी सेड विद मॉक ग्रेविटी। ओके, मॉक मीन आर्टिफिशियल, ठीक है, बनावटी, ग्रेविटी मीन सॉलमिनिटी, सीरियसनेस, ठीक है, बड़ी ही सीरियसनेस के साथ जो है वो कहती है उसको, दिस इज एन ओकेजन यू नो दिस लास्ट फेयरवेल फॉर आवर्स, कहती है कि ये अब जो है ये हमारा, तुम जानते हो कि ये हमारा लास्ट फेयरवेल है, मीन टू से कि आफ्टर दिस फेयरवेल वी विल बी टुगेदर फॉर द होल लाइफ एंड दिस इज आवर लास्ट फेयरवेल, ठीक है, सो आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय, कहते कि आई एम फीलिंग दैट आई एम अ न्यू बॉय बिगनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू, जो कि अपनी जो पहली टर्म है, टर्म इन एजुकेशनल पीरियड, जो कि मेरा एजुकेशनल पीरियड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद यू, ठीक है, नॉट स्केयर्ड, स्केयर्ड मीन अफ्रेड, माइंड, कहते कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरी हुई नहीं हूँ, बट जस्ट फॉर वंस इन अ थॉरली रिस्पेक्टफुल मूड, लेकिन कहती कि मैं बहुत ही जो है मेरा जो मैनरिज्म है मेरा, या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, या मेरा जो मैनर है बेटा, आई एम सो मच रिस्पेक्टफुल, ठीक है, शैल आई कॉल यू सर और वुड मिस्टर चिप्स बी द राइट थिंग, कहती सो व्हाट शुड आई कॉल यू, शुड आई कॉल यू मिस्टर चिप्स और शुड आई कॉल यू सर, ठीक है, कहती मैं आपको क्या बुलाना चाहिए, और वुड मिस्टर चिप्स बी द राइट थिंग, मिस्टर चिप्स आई थिंक, ठीक है, अब वो कहती है नो, शी क्वेश्चन एंड देन शी आंसर बाय हर्सेल्फ, खुद ही क्वेश्चन करती है बेटा, खुद ही आंसर दे देती है, दैट आई शुड कॉल यू मिस्टर चिप्स, आई थिंक, गुड बाय देन, गुड बाय मिस्टर चिप्स, कहती है कि तुम गुड बाय उसको कह देती है, ठीक है, मिस्टर चिप्स को कि आई एम सेइंग यू गुड बाय। ओके, अ हैंडसम क्लॉक क्लॉपिंग इन द रोडवे, ग्रीन पेल गैस लैंप्स फ्लिकरिंग ऑन अ वेट पेवमेंट, न्यू बॉयज शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, शी लॉक आर्म्स इन बेकर स्ट्रीट, गुड बाय मिस्टर चिप्स। ओके बेटा, लास्ट थिंग दैट हैंडसम मीन, हैंडसम मीन अ स्मॉल व्हीकल पुल्ड बाय अ हॉर्स, ठीक है, जो बेटा गाड़ी जो विच इज पुल्ड बाय हॉर्स, जिसको जो है उसके आगे घोड़े लगे होते हैं, ठीक है, इन द रोड वे, रोड मीन रोड पे, ठीक है, ग्रीन पेल गैस लैम्प, और बेटा उस गैस लैम्प की लाइट कैसी थी, ग्रीन पेल थी, ठीक है, फ्लिकरिंग, ओके, फ्लिकर मीन ट्विंकलिंग, जैसे जैसे चमक होती है, टिमटमाना, ठीक है, ऑन अ वेट पेवमेंट, गीले गीले पेवमेंट पे, गीले फुटपाथ पे, तो कहते हैं कि एक बूढ़ा गाड़ी जो थी वो क्लॉक क्लॉपिंग मीन एन एब्रप्ट साउंड एज अ हॉर्स हूफ्स ऑफ हॉर्स, जो बेटा घोड़े के जो फुट है उसकी जो साउंड होती है उसको कहते हैं क्लॉप क्लॉपिंग, जैसे रोड पे सरपट दौड़ना, ठीक है, या भारी आवाज के साथ दौड़ना, इन द रोड पे ग्रीन पेल गैस लैम्प फ्लिकरिंग ऑन अ वेट पेवमेंट, और फ्लिक कर रहे थे, टमटमा रहे थे वेट पेवमेंट पे, पेवमेंट में फुटपाथ पे, न्यू बॉयज शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, अब कहते हैं कि जो नए लड़के थे वो क्या, वट वर दे शाउटिंग, दे वर शाउटिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, शेरलॉक होम्स इन बेकर स्ट्रीट, अब वो वाजे क्या लगा रहे थे, शेरलॉक होम्स बेकर स्ट्रीट, एंड ही वॉज वट वॉज इन हीज ईयर दैट वॉज रिजाउंडिंग, इट वॉज गुड बाय मिस्टर चिप्स, दीज वर द वर्ड्स ऑफ कैथरीन विजिस, ठीक है बेटा, सो इट्स मीन दैट ही इंस्टेंटली मूव टू हिज पास्ट एज वेल एज ही मूव टू हिज present, this is the beauty of the novel beta, that Mr. Chips, although he lives in his memories, mean to say that he gets a soothing effect and he get a relish from his old beautiful memories, but still he is the man of present,
ही लिव इन द प्रेजेंट टाइम एज वेल. ऐसा नहीं कि वो अपना सारे जो टाइम वो पास्ट में गुजार रहा है, ठीक है, बस ही इज रिमेंबरिंग, ही इज रिकॉलिंग ऑल द इंसिडेंट दैट ही हैड पास्ड विद कैथरीन ब्रिजेस एंड द स्टूडेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड एंड द टाइम दैट ही स्पेंड इन ब्रुकफील्ड, बट ही स्टिल वेरी मच अवेयर ऑफ द प्रेजेंट scenario of the present circumstances that are going on because he is much active. बेटा ये सारी जो his thinking जो इसकी सारी memories हैं when he is alone at Mrs. Vickers, ठीक है, जब when he is drinking tea or he is sitting by the fire, then all these memories they take him in their clutches. वो अपने उसको गिरफ्त में ले लेती है, ठीक है बेटा, and these memories are not very much painful. These are so much beautiful memories. And he had a lot of, he had his past, his olden time, it was very much beautiful. And he has very beautiful memories with Catherine Bridges and the time that he spent in Brookfield. So, this is the chapter number 5 that we have read today. And dear students, what have you do? You have to learn its synonyms, its difficult words that I told you side by side. And also, you will prepare the question that is relating to the text. This means for preparing the question answer, you have to read the text very much clearly so that you may be able to answer the question that is asked by your examiner. Okay, students, till tomorrow's lecture, stay blessed and remember me in your prayers, and stay blessed, stay healthy. Allah Hafiz.